वीएम जनरल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर एक पेरेंट्स और गार्जियन वाला जो ऑप्शन इसमें ऐड हुआ था, जो आप पेरेंट्स को आपको लॉगिन करने, बच्चों के माता पिता ही आप लॉगिन इसमें कर सकते हैं। तो उन लॉगिन करने से पहले आपको जो कौन सा मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको लगाना होगा और कौन सा एन पिन नंबर हम कैसे बनाए या कैसे पता करें, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया। यह आपका जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का भाग 5 है। अगर आपने भाग 4 आपने नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले आपको भाग 4 आपको देख के उसके बाद में आपको इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, जिससे आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। भाग 4 के अंदर आपको यही बताया गया है कि किन बच्चों के माता पिता को यहाँ पर आपको लॉगिन कराना है, इसलिए आपको भाग 4 आपको देखने के बाद में आपको भाग 5 आपको पूरा देख लेना है। पहले आपको इस वीडियो को आपको देख लेना है, फिर बाद में आपको भाग 4 आपको देख के आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल में आपको जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन आपको क्लिक कर देना। इसी तरह से आप हमारे इस चैनल में आसानी से जुड़ सकते हो। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम के तहत में जो गार्जियन पेरेंट और गार्जियन को किस प्रकार से लॉगिन कराना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको जो बच्चों के माता पिता के मोबाइल के अंदर आपको ये पोषण ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल कराना है। पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कराने के लिए आपको प्ले स्टोर ऐप के अंदर आपको जाना है और सर्च करना है पोषण ट्रैकर, और आपको इस तरह से आपको पोषण ट्रैकर जो बच्चों के माता पिता के मोबाइल के अंदर आपको इंस्टॉल करा लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है वो आपको बताएंगे। जैसे आप इंस्टॉल होने के बाद में आपको पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर देना है। पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपको 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे होम पेज पर भी आपको आंगनबाड़ी वर्कर, पेरेंट्स गार्जियन और एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से आपको 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें आपका दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है पेरेंट्स गार्जियन वाला ऑप्शन के अंदर आपको किस प्रकार से जो बच्चों के माता पिता को आपको रजिस्टर कराना है यही ऑप्शन आपको है। जैसे इस ऑप्शन को आप ओपन करोगे, इस पेज के अंदर आपको सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ये मोबाइल नंबर जो बच्चों के माता या पिता का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जैसे कि उनके जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर करोगे तो वो मोबाइल नंबर या उस पिता के पास में या माता के पास में आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में उसका पेरेंट ही वो लॉगिन करेगा और बच्चों का वजन और लंबाई की एंट्री करेगा। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो भी यह पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल होगा उस मोबाइल के अंदर। चलिए मैं यहाँ से एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा कर नीचे की ओर गेट ओटीपी पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपको लगाना है जो भी पेरेंट का, और नीचे आपको गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पर अगला पेज आपको ओपन होगा, एन पिन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आपको याद रहे वही एन पिन नंबर आपको लगाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए 1 2 3 4 भी आप लगा सकते हो, 1 1 1 1 4 बार भी आप लगा सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको हमेशा आपको याद रहे वही एन पिन नंबर आपको लगाना है, जो आपको 21 से 27 तारीख के बीच में आपको वो उसमें लॉगिन करना होगा। वो फिर बाद लॉगिन करने के बाद में आप बच्चों का जो लंबाई और वजन आपको लेना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यही एन पिन नंबर आपको काम आएगा, तो आपको यह याद रखना है। यहाँ पर आपको एन पिन नंबर आपको एंटर करे पर आप क्लिक करना है, चारों कोष्ठक के अंदर आपको एक एन पिन नंबर आपको लगा देना है। फिर आपको वही एन पिन नंबर नीचे आपको कन्फर्म एन पिन नंबर पर लगा के आपको सेट एन पिन नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका सक्सेसफुली एन पिन नंबर आपको सक्सेस होएगा। फिर आपका अगला पेज आपको इस तरह से आपको ओपन होगा। इसमें फिर इस फोरम के अंदर आपको जिस व्यक्ति का आपका मोबाइल नंबर आपको दिया है उसी व्यक्ति की डिटेल इस फोरम के अंदर आपको भरनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको पेरेंट्स और गार्जियन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसका नेम आपको यहाँ पर आपको लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपको टाइप करना है। इस तरह से आपको इस फॉर्म को आपको सही भरना है, जो भी इसमें जानकारी आपको पूछी गई है। नाम लिखने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको टाइप करना है। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कैलेंडर की सहायता से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जो इस व्यक्ति का जन्म की तारीख है वही आपको सही आपको जन्म की तारीख यहाँ पर आपको टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में आपको यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर बाद में आपको यहाँ पर जिस व्यक्ति का पंजीकरण किया उसी व्यक्ति का आपका आधार नंबर आपको लिखना है। इसमें लिखा गया आधार नंबर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन। आधार नंबर टाइप करने के बाद में आपको माई एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जो स्टेट के अंदर आप कर रहे हो वही स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है।
फिर नीचे की ओर आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जिले का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना जो भी जिले का नाम है। फिर आपको यहाँ पर एरिया आपको लिखेगा, एरिया के अंदर आपको दो ऑप्शन आपको मिलेगा, अर्बन और दूसरा है रूरल। इस तरह से आपको दो ऑप्शन इसमें लिखा गया है। पहला ऑप्शन अर्बन के अंदर आपका जो आप शहरी क्षेत्र के अंदर आप रह रहे हैं तो आपको अर्बन पर आपको क्लिक करना है, और आप रूरल मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रह रहे हो तो आपको रूरल पर आपको क्लिक करना है। फिर बाद में आपका ऑप्शन मिलता है टाउन और ब्लॉक पर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो तहसील का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से आपको एक बार फॉर्म को आपको देखने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी इसमें जो आपका फॉर्म भरा है यहाँ पर आपको एग्री है कोष्ठक दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वो इस तरह से आपको फॉर्म भरने के बाद में आपको नीचे की ओर आप सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो सक्सेस रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक टिक भी आपको नजर आ रहा है। अभी फिलहाल में इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं बच्चों का जो वजन और लंबाई लेने का, तो अभी फिलहाल में जो 21 तारीख से पहले आपको एक अपडेट आपको मिलेगा, उस अपडेट के अंदर आपको इसमें जो पेरेंट और गाइडियन के अंदर आपको वो जो बच्चों का वजन और लंबाई लेने का ऑप्शन इसमें ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल में इस तरह से ही आपका ऑप्शन आपको खुलेगा। इसमें आपको वीडियो है, इसे भी आप आसानी से देख के आप पता कर सकते हो क्या है जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम में। तो इस तरह से आपका अभी फिलहाल में खुलेगा, तो आपको अपडेट आने 21 तारीख का अपडेट का इंतजार करना है। 21 तारीख के बाद में ही आपका जो बच्चों का वजन और लंबाई आपको लेने का ऑप्शन इसमें है। तो इस तरह से आपका जो पेरेंट्स और गाइडियन लॉगिन करने का जो रजिस्ट्रेशन है आपको इस तरह से होगा। आपको जो आप रजिस्टर करते समय जो एन पिन नंबर आपने दिया और आपने जो मोबाइल नंबर दिया वही यहाँ पर एन पिन या मोबाइल नंबर लगाकर अब डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। वापस आपको रजिस्ट्रेशन करने की अब जरूरत नहीं रहेगी। आप यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर से आपको वेरीफाई आपने किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। नीचे एंटर द एन पिन नंबर, आपको जो भी एंटर द एन पिन नंबर वहाँ पर आपने लगाया है वो एन पिन लगाकर वापस आप इस तरह से आपको लॉगिन कर सकते हो। इस तरह से आपको पेरेंट और गाइडियन वाला ऑप्शन से जो माता पिता आप लॉगिन कर सकते हो और अपना बच्चों का डिटेल भी आप भर सकते हो। अभी फिलहाल में जो बच्चों की डिटेल भरने का जो ऑप्शन इसमें ऐड नहीं है, तो 21 तारीख तक आपको इंतजार करना है, अपडेट के अंदर आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल में इस तरह से आपको ये पेज आपको ओपन होगा, इसमें नीचे की ओर आपको वीडियो आपको नजर आ रहा है, नीचे ऊपर की ओर लिखा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा जो 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। फिर बाद में आपको ऊपर की ओर थ्री लाइन पर क्लिक करना, लर्निंग सेंटर पर आपको जाकर यहाँ पर आपको सभी वीडियो भी एक बार आपको देख लेना है। इसमें आपको सभी जानकारी आपको मिल जाएगी जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम की सभी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर आने पर आपको यह सभी वीडियो एक बार देख लेना है, वॉच कर लेना है, जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके कि स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम में आपको क्या क्या करना है। जैसे कि ये स्वस्थ बालक बालिका का भाग 5 है, अगर आपने जो पिछले जो भी भाग है आपने नहीं देखे तो वो भी आपको देख लेना, और अगला जो भी 6 भाग है वो भी आने वाला है नई जानकारी के साथ में, इसलिए आप हमारे चैनल में आप जुड़ जाना है।